नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज, उत्तर प्रदेश में स्थानीय समाचारों का सबसे बड़ा चैनल, और प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, योगी का बड़ा ऐलान, बनारस की तरह सरयू घाट पर भी होगी आरती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया प्रधान डाकघर में पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन। मवई के पटरंगा गांव स्थित तालाब से उठ रही दुर्गंध से ग्रामीण परेशान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला और हनुमान घड़ी का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। विगत 25 वर्षों के अंतराल के बाद यह पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रामलला के दरबार में सीएम बनने के बाद आकर दर्शन पूजन किया। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष संत नित्य गोपाल दास के 69वें जन्म उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। मंडल के अधिकारियों को विकास समीक्षा कर सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने और समय से लक्ष्य पूरा करने का पाठ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में पढ़ाया गया। वहां मंडल भर के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मीडिया से दूरी बनाए रखी। कार्यक्रम के अंत में मुख्य डाकघर की नई बिल्डिंग में जिला पासपोर्ट कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, गोसाईगंज विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू बीकापुर विधायक शोभा सिंह, विधायक मिल्कीपुर गोरखनाथ बाबा उपस्थित रहे। सीएम ने अयोध्या में मीडिया को आधुनिक साज सज्जा युक्त मीडिया सेंटर बनाने और सरजू के किनारे घाट और मठ मंदिरों को आधुनिक रूप से विकसित कर के बनारस के तर्ज पर विकास करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने दौरे के दौरान हनुमानगढ़ी पहुंचने पर जहां बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सांसद और विधायक ने उनका स्वागत किया, यही पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मुख्यमंत्री जी के चरणों में शष्टांगत दिखे। प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पहुंचने ही जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कार से उतरे, वैसे ही सीओ सदर दीपक कुमार मुख्यमंत्री के पैरों में शष्टांगत दंडवत हो गए। उनके साथ ही सुरक्षा में लगे अन्य अधिकारी भी मुख्यमंत्री जी के पैर छूने लगे। कुछ ऐसा ही हाल मुख्यमंत्री के पूरे दर्शन पूजन कार्यक्रम के दौरान रहा। केंद्र सरकार ने फैजाबाद वासियों को पासपोर्ट सेवा केंद्र का तोहफा दिया, जिसका आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। यह पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थानीय सांसद लल्लू सिंह के प्रयास से हुआ। सिर्फ फैजाबाद नहीं, फैजाबाद के आसपास के जिलों के लोग को अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका पासपोर्ट की प्रक्रिया फैजाबाद से ही पूरी हो जाएगी। अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की सेवा का शुभारंभ कर स्थानीय जनता को यह सौगात दे दी है। ये उत्तर प्रदेश का चौथा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इसका उद्घाटन किया है। कल से हम लोग 50 एप्लीकेशन यहाँ प्रोसेस करेंगे पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट के लिए जनपद के बाहर लोगों को ना जाना पड़े, इस उद्देश्य के साथ ये पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरुआत हुई है। तो फैज़ाबाद एवं फैज़ाबाद के आसपास के लोगों को पासपोर्ट की एप्लीकेशन जो यहाँ देंगे उसका पेपर्स की स्क्रूटनी हो जाएगी, उनकी छानबीन कर ली जाएगी, उनके फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाएंगे, बायोमेट्रिक फोटोग्राफ ले लिया जाएगा और उनको उसके लिए लखनऊ या कहीं पास में PSK जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये उत्तर प्रदेश का चौथा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है और अभी जो मेरे कार्यक्षेत्र में है उसमें दो अभी और प्रस्तावित हैं। एक इलाहाबाद है, तीन है, इलाहाबाद, सीतापुर और सुल्तानपुर। वर्तमान में हमने सबसे पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र यूपी में झांसी में खोला था, दूसरा गाजीपुर में, तीसरा ये मेरे कार्यक्षेत्र में है फैजाबाद, और पश्चिम में पीलीभीत खुल चुका है, तो ये चौथा हो गया पूरे उत्तर प्रदेश में।
मवई के पटरंगा गांव स्थित तालाब में उठ रही दुर्गंध से ग्रामीण परेशान हैं। यहां तक कि कुछ दिन पूर्व तालाब के सामने प्राथमिक विद्यालय के 8 बच्चे बीमार भी हो चुके हैं। गांव में इस बात को लेकर लोगों में दहशत है कि जल्द ही तालाब की सफाई न कराई गई तो गांव में संक्रमक बीमारी फैल जाएगी और अन्य लोग भी इसकी चपेट में आकर बीमार पड़ सकते हैं। इस मामले को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब परेशान हैं। एवं जिम्मेदार अधिकारियों तक भी शिकायत की जा चुकी है पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इस गांव की सारी गंदगी इसी तालाब में जाती है। एवं एसडीएम साहब पहले ही आदेश दे चुके हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में भेजी जाएगी और ब्लॉक कर्मियों को सफाई के लिए निर्देशित भी किया जाएगा, पर इन साहब के सारे फरमान हवा हवाई ही साबित हो रहे हैं और शायद इंतजार कर रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना हो। खाना बनाओ, रोटी बनाओ, मान नरक बसात है। ये तालाब वाली समस्या कब से आ रही है? अरे हो गई तो आधे गांव से नहीं हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अगले साल से दिक्कत आ रही है। अरे बसात अपना ही कीजिए का हद से ज्यादा, मतलब कहाँ भाग गए। अगली बार 8-9 लोग बीमार हो गए, बीमार है वही तक बकरा गोरू बांध के देखो मुहारे, कोई कार्रवाई नहीं हुई आदमी जानवर बांध के रखा था कि तालाब में कूदे ना पाए। पूजा बचिया बांध दिया कि खोल इतना ही अब खोल दिया चली गई पानी। तालाब का पानी पी सकते, भैंस पी लेते तो मर जाते तारे पुतारे। आओ का जानवर का पानी गड़बड़ है तो पर साल का पेपर है, ये पर साल का विज्ञापन है, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं तालाब के लिए? तालाब की सफाई, साफ सफाई हुआ है? जरा और नजदीक से बनाई वीडियो बना ले रहे हैं। हाँ कि बहरी पानी जो लेटरिंग के आवत है नरमक निकल जाए बस साफ रहता है। काफी बदबू कर रहा है तालाब। अरे बहुत बसात भैया, घटना नहीं दे यार, मतलब हम लोग कहाँ भाग जाए। आप रोज देखते रहिए समाचार इसी चैनल पर इसी समय। धन्यवाद, नमस्कार।